मतलब आज मैरीन ड्राइव का किसी ने फोटो भेजा था, वेयर इट वाज हॉरिबली क्राउडेड। सोशल डिस्टेंसिंग का तो ना एस था ना डिस्टेंसिंग था। एंड एब्सोल्युटली वंस लोकल ट्रेन्स ओपन अप इन बॉम्बे, डू यू रियली थिंक कि देर इज एनी स्कोप ऑफ यू नो हैविंग एनी काइंड ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग? सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगा ऐसे ही। द थिंग इज लाइक वी हैव टू लिव विद करोना। करोना ऐसे जाने वाला नहीं है, ओके, बिकॉज वी एक्सपेक्टेड द वैक्सीनेशन लाइक बाय सितंबर अक्टूबर तक वैक्सीनेशन आएगी। मगर इंडिया इतना बड़ा देश है कि अगर वैक्सीनेशन देने भी जाएगा, रोज के 1 लाख वैक्सीनेशन देते हैं तो 37 ईयर्स लगते हैं। अगर रोज के 10 लाख भी देंगे तो भी 3 ईयर्स लगते हैं। तो वी हैव टू गेट अ हैबिट ऑफ लिविंग विद करोना, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, वेरी और क्राउडेड जगह को क्राउडेड नहीं करना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको लाइफ के साथ चेंज, लाइफ वोंट बी द सेम अगेन फॉर सम लाइक पीरियड, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा। रमेश भाई, आपने इतने लोगों को हेल्प किया, यू हैव रीच्ड आउट टू थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। इट इज़ नॉट इजी। मैं आई एम पार्ट ऑफ सम वेरी स्मॉल ग्रुप विच वी रीच्ड आउट टू सम 600 फैमिलीज, और ट्रस्ट मी इट वॉजेंट ईजी फॉर अस। बट आप तो मतलब यू आर हियर देयर एवरीवेयर, मतलब आपने, हाउ डिड यू मैनेज इट? मैंने इन द सेंस जिससे लाइक लॉकडाउन के दूसरे ही दिन मैं मेरे लोकल पुलिस स्टेशन गया था। वहाँ के सीनियर मेरे दोस्त हैं और मैं उनको सैनिटाइजर वगैरह देने गया था, मास्क वगैरह देने गया था, 95 एन पी पी किट्स। तो ही शोड मी अ वीडियो। वहाँ एक लाइक बुजुर्ग इंसान को, एक टीनेजर उसको बिस्किट का पैकेट देते हैं, एंड दैट ओल्ड गाय उसके पाँव पड़ते हैं, मतलब भूख के मारे उनकी ऐसी हालत थी कि उनको पाँव पड़ना पड़ा। कैन यू हियर मी? या आई कैन हियर यू, आई कैन हियर यू। या तो वो वीडियो देख के लाइक मेरे को तो सीरियसली आई वाज लाइक हार्ट ब्रोकन। एंड देन ही सेड कि हमारा जो एरिया, मेरा एरिया है, वो इंडिया में नहीं, एशिया में सबसे ज्यादा लोकल मार्केट हमारे उधर है। तो होता ऐसे है कि हमारे वहाँ 4, 5, 6 स्टेट्स है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार एंड झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश वगैरह के सब देहाती मजदूर हमारे उधर ज्यादा रहते हैं। एंड उनका काम ही होता है कि मजदूरी करना और रेकड़ी या पाटी वगैरह उठाने का। तो जब मार्केट खुली है तो अच्छी खासी कमाई हो जाती है। एंड दे वॉन्ट डे डू, दिन में काम करते रात को रास्ते पे सो जाते हैं, बारिश के सीजन में प्लास्टिक बांध के सो जाते हैं। अभी जब काम धंधा बंद हो गया तो उनके पास खाने का बिल्कुल नहीं था। एंड देन आई टुक अप द ओनर्स ऑन मी कि हमारे, मैंने एक चीज सोचा कि भले लोग भूखे जागे जरूर मगर भूखा सोएगा कोई नहीं। एंड देन आई स्टार्टेड लाइक डिस्ट्रीब्यूटिंग की राशन किट्स हुए ईच एंड एवरीबडी इन माई लोकेलिटी, थोड़ा थोड़ा करके। एंड देन माई वेरी गुड फ्रेंड एंड माई एल्डर ब्रदर मनीष मुंद्रा ऑल्सो, ही केम ऑन द सीन और उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया नाइजेरिया से, ये राशन वगैरह किट बांटी। उन्होंने बहुत सारा काम किया, उनकी तो पूरी स्टोरी अलग है। और फिर एक सोशल मीडिया का एंगल आ गया, जब मैं आई हैव अ वेरीफाई हैंडल ऑन ट्विटर, तो मुझे रिक्वेस्ट आने लगी लोगों की कि हम इधर भूखे हैं, वहाँ भूखे हैं। एंड देन लाइक स्टार्टेड लाइक आस्किंग हेल्प फ्रॉम पीपल। अगर कोई भी बिहार में भूखा है तो वी यूज टू से फ्रेंड एंड फैमिली इन बिहार प्लीज हेल्प, तो वो लोग सामने से आ जाते। और इंडिया में ऐसा कोई कोना नहीं, रिमोटेस्ट एरिया लाइक यू कैन से वी हैव रीच्ड एवरीवेयर, ऑलमोस्ट लाइक 90% ऑफ द रिक्वेस्ट आर फुलफिल्ड। ऐसा ऐसा नहीं है कि हम लोग भगवान है या वी आर लाइक अंबानी कि हम लोग सब कुछ कर सके, मगर एक कितनी तसल्ली रहेगी कि हमारी वहां जो भी आया खाली हाथ तो गया नहीं है। मतलब किसी चीज के लिए भी आया, या खाने के लिए आया, दवाई के लिए आया, हॉस्पिटल के लिए आया, कुछ भी किसी भी चीज के लिए आया तो वापस तो खाली हाथ गया नहीं। एंड सोशल मीडिया प्लेड अ वेरी बिग पार्ट, स्पेशली ट्विटर। मैं मतलब अपने बॉम्बे में एक बहुत पुराना, सॉरी मुंबई में एक बहुत पुरानी कहावत है कि आदमी सुबह भूखा उठ जरूर सकता है लेकिन रात को कोई भूखा सोता नहीं है बॉम्बे में। एंड दिस टाइम वी हैव सीन दिस अक्रॉस, मतलब इट हैज बीन अ फिनोमिनल एफर्ट। आपने जैसे मनीष मुंद्रा का नाम लिया, बग्गा बहुत अच्छे कर रहे हैं यहाँ पे दिल्ली में, एब्सोल्युटली, देर आर जैसे मैं पीपल फ्रॉम बताऊंगा इंडिया, ऑल ओवर। भरत भाई मैं बताऊंगा कि इंडिया ऐसा देश है जहाँ भले ऐसे तो नॉर्मली पार्टीज अलग होती है या कोई लफड़े झगड़े हो जाते हैं, बस सब अलग होते हैं, मगर जब भी कोई ट्रेजेडी होती है या कभी भी ऐसे सिचुएशन आते हैं ना, तो हम हिंदुस्तानी सब एक हो जाते हैं। और जैसे आपने नाम बिल्कुल मनीष मुंद्रा एक नाम है, तेजिंदर बग्गा है, एक धर्मेंद्र है, वैशाली पोद्दार है, तो
धवल है, मतलब हर एक स्टेट में जैसे हर्ष भाई है, मतलब अकरम करके है बंदा, तो जहां भी आप जाओ हर एक स्टेट में हर एक गली से एक नया हीरो खड़ा हुआ है। और वो आई हीरो ने एग्री, क्या आई किया क्या कंप्लीटली है, एग्री। वो हीरो ने किया क्या है कि इंडिया जब लड़ रहा था कोरोना के साथ और अभी लड़ ही रहे, मगर ये 60 डेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे कि 60 डेज का लॉकडाउन, और हर कोई तो इतना सक्षम नहीं है कि उनके पास खाना हो दवाई हो, मगर एक चीज हर एक हिंदुस्तानी ने देखा कि अगर मैं खाना खा रहा हूं तो मेरा भाई भी खाना खाएगा, और उन्होंने जात पात कोई नहीं देखा। हम लोग जब रिक्वेस्ट आती थी हमारे पास तो हम लोग ये नहीं देखते थे कि खन्ना है कि खान है, ये शाह है कि शेख है, या कोई भी हो भले, नो कास्ट क्रीड रिलीजन नो जेंडर। जैसे मनीष भाई ने लाइक 1700 किन्नर को मुंबई में खाना पहुंचाया, ओके 1700 किन्नर को अराउंड 14 टन ऑफ फूड ग्रेन, तो 14 टन ऑफ फूड ग्रेन लाना ले जाना बांटना बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी बात है। और रोज उनके जब फोटोज हमको आते हैं, मुझे आते हैं, मनीष भाई को आते, तो हम खुश होते हैं अंदर से, हम लोग एक तसल्ली मिलते कि चलो हमारे भाई बहन है जो आज भूखे नहीं सोए। तो इंडिया में हीरो की एब्सोल्युटली कमी नहीं है, बोले ना वो ना टीवी पर्दे पे जैसे देखते हैं हीरो हीरोइन 40-50 जन को मारेंगे सबको खाना खिला देंगे, मगर जब अरे आपदा आई तो हर एक इंडियन हीरो बन के हीरोइन बन के खड़ा हुआ है। आपको अभी मैं सलमान खान बोलूं या मैं शाहरुख खान बोलूं या मैं अक्षय नहीं आप कुमार मुझे खाली बोलूं, रमेश बोलिए। नहीं, बिकॉज दीज आर यू पीपल आर एक्चुअली द सुपर हीरोज। थैंक यू। मदद करने का भाव जो होता है वो हम सब में होता है, बट वो एक्चुअली अपना घर बार भूल के सबसे पहले किसी और तक हेल्प करना पहुंचना, ये एटीट्यूड सब में नहीं होता। मेरे सामने अगर खाना रखा हुआ है तो मैं दूसरे के मतलब खाली पेट के बारे में सोचूंगा जरूर, बट मैं अपना खाना छोड़ के किसी को पहुंचा दूं, ये बहुत कम लोगों में ये भाव होता है। और ये भाव आप में बाकी सब जो नाम हमने अभी लिए उन सब में बहुत देखा है हमने। एंड यही है बॉम्बे, मतलब यही है इंडिया, मतलब जिसको ये है, मतलब थोड़ा कॉमेडी टाइप लगेगा बट ये है सच्चा कि यही है हिंदुस्तान। मतलब यही हम सब हिंदुस्तान इतने अलग अलग लोग, अलग अलग काम, अलग अलग पेशा, अलग अलग संस्कृति, बट जब एक आपदा करके आई तो किसी ने नाम नहीं पूछा, किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, मतलब खाली एड्रेस मांगा, मतलब हमने और किसी से कुछ मांगा ही नहीं था, सिर्फ एड्रेस मांगा था। और आप लोगों ने जिस तरीके से और जिस स्पीड और जिस अलैक्रिटी के साथ हेल्प रीच आउट किया है, इतना तो जो गवर्नमेंट में बैठे हैं जिनके पास पावर है वो नहीं पहुंचा पाए, वो जो भी कारण हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनका मन नहीं था या उनका इंटेंशन नहीं था, बट जो भी कारण था, यू पीपल हैव रीच्ड आउट एंड मतलब रियली मगर भरत भाई एक चीज आपको बोलना चाहूंगा कि गवर्नमेंट के ऊपर अगर हम हर हर चीज के लिए निर्भर हो जाए ना तो भी सही नहीं है। गवर्नमेंट ऑल स्टेट गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी जी, हर एक स्टेट गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, मगर इफ वी लाइक हम लोग बैठे रहे कि गवर्नमेंट ही करने वाली है और हम लोग उनके ऊपर निर्भर हो जाए तो दैट इज नॉट गुड, ऑल्सो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इंडिया नहीं कोई नहीं छोटा मोटा सिटी या गांव नहीं, इंडिया 130+ करोड़ लोगों की जनता है। अगर गवर्नमेंट करते करते तो भी 10-15 दिन 20 दिन लग जाएंगे तैयारी करने को, मगर ये जो स्टार्टिंग के 10-15 दिन थे जो हर एक एरिया में हर एक शाखा के हर एक लोग बाहर निकला, हर एक लोग ने काम किया, और लाइक बहुत सारे ऐसे उदाहरण है। जैसे मेरी फैमिली, मेरी मॉम मेरी हीरोइन बनी, जैसे मैंने राशन किट वगैरह जमा किया था और मुझे ऐसे लगता था मैं रोज के 400-500 राशन किट दूंगा और ठीक चलेगा, तो 400-500 राशन किट देने के बाद एक दिन ऐसे हो गया कि 25-30 जन आके मेरे घर के बाहर बैठे थे और राशन खलास हो गया। तो अभी राशन लाना भी बहुत बड़ी बात होती थी क्योंकि राशन लाके उसको 2 दिन स्टोर करना पड़ता था क्योंकि कोरोना का डर तो सबको लगेगा, कोई तो ऐसे सुपर हीरो तो है नहीं कि उसको डर नहीं रहेगा, तो उसको हाँ स्टोर हाँ करके कोई उसके इम्यून बाद थोड़ी पैकिंग है। करके देना था। तो जब ये दुविधा मेरे सामने आया ना कि 20-25 लोग मेरे घर के बाहर बैठे 1 घंटा, तो मैं भी थोड़ा नर्वस हो गया, क्या करूं, उनको ना बोलूं कैसे बोलूं, तब मेरी मॉम आके बोलती कि हमारे वहां 2 महीने का राशन पड़ा है, हम लोग ने सेव किया, तो वो दे दो उनको, हमारे उधर से कोई खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो आई वाज लाइक वाओ मॉम यू आर अ हीरो यार,
फिर वो उनको दे दिया और हमारा राशन तो फिर आ ही गया, नो डाउट। मगर वो ऐसे ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल हो गए। जैसे एक मैं मदर्स डे के लिए मैंने एक प्लान बनाया था कि मदर्स डे के दिन मैं राशन नहीं बांटूंगा, मगर मदर्स डे के नेक्स्ट दिन पे राशन बांटूंगा, ताकि जितनी भी औरतें हैं वगैरह उनको बुला सकते हैं एंड सब कर सकते। तो मैंने नेक्स्ट दिन पे पूरे लाइक 300-400 लेडीज थी जो एरिया के, उनको बुलाया था। वो सब लेडीज को देते देते एक 8-9 साल का बच्चा आके लाइन में खड़ा था। जब मैंने उसको राशन दिया और मैंने पूछा बेटा तुम क्यों आए, तो बोले कि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं तो उसके बदले मैं आया हूँ। तो आई वाज लाइक सीरियसली हमारे देश का भविष्य जो है उसको लाइन में लगना पड़े। मगर एक चीज की तसल्ली थी कि हम उनके साथ खड़े थे और वो हमारे साथ। लाइक सोशल मीडिया पे मैं मेरा रूटीन बता दूं आपको, 18 से 19 घंटे हम लोग जागते थे। मैं अकेला ऐसा नहीं था, मगर बहुत से लोग थे। हम लोग रोज रात को 4-5 बजे सोते थे और सुबह 9 बजे जाग जाते थे। हम लोग का अटेंडेंस होता था कि 2 AM वाले अटेंडेंस, 3 AM वाले अटेंडेंस, 4 AM वाले अटेंडेंस, 5 AM वाले अटेंडेंस। हमारी एक फ्रेंड है डॉक्टर मोनिका दिल्ली से, उनको लाइक मोनिका लांगे, मोनिका लांगे इतना काम किया, इतना काम किया। एंड आपकी छोटी बहन है, बहुत अच्छी बात है, उनको मेरा प्रणाम बोला, मेरी दोस्त है। तो उनका एग्जांपल देता हूँ कि उनकी दो बार तीन बार टेस्ट हो गए एंड शी वाज नेगेटिव, बट शी यूज्ड टू स्टिल गो एंड वर्क एंड अल्टीमेटली लाइक उनको भी कोरोना पॉजिटिव हुआ। तो आज पूरी इंडिया के जितने भी लोग है ना, वो सारे दुआ कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक, शी इज फाइन नाउ टेकिंग रेस्ट, मगर हम लोग सब दुआ कर रहे हो जल्दी से जल्दी आ जाए। तो ऐसे हीरो हीरोइन तो आपको इंडिया में हर घर में निकलेंगे, हर घर में, हर मोहल्ले में, हर जगह से निकले हैं। मेरे को मैं कोई नेगेटिव या मैं कोई पॉलिटिकल ओवरटोन के साथ बात, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, बट पॉलिटिक्स करना भी नहीं है। ये 2-2.5 महीने मैंने कसम खाई है कि मैं पॉलिटिक्स नहीं करूंगा। कोई अगर मुझे पॉलिटिकल ट्वीट भी भेजता है या ट्रेंड भेजता है तो भी मैं बोलता, जब मेरे मेरे भाई बहन मर रहे हैं या मेरे भाई बहन भूखे मर रहे तब मैं पॉलिटिक्स नहीं करूंगा। पॉलिटिक्स करने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है। मेरे कुछ दोस्त है, भरत भाई मैं आज आपको नाम दूंगा, मेरे कुछ दोस्तों का जिनको पॉलिटिक्स का पी भी मालूम नहीं। जैसे एक करिश्मा करके मेरी दोस्त है मीरा रोड से, ओके, उसने कभी पॉलिटिक्स नहीं की है, मगर ये 2-2.5 महीने में उसने मेरा इतना सर खाया ना हर चीज के लिए कि इधर ऐसा क्यों नहीं आ रहा है, वो ऐसा क्यों नहीं आ रहा है। शी मेड मी डू थिंग्स, ओके। तो एक वो अलर्ट सिटीजन, जब सिटीजन अलर्ट हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार कि देश अभी आगे, ये देश बदल रहा है। जैसे रंजना करके डॉक्टर डेंटिस्ट है, अभी डेंटिस्ट का मतलब प्रोफेशन तो बहुत भारी है कि उनको खुद को हम तो, और मतलब जो एक सोचते थे कि सोल्जर्स ही हीरो है हमारे, हमको बचा रहे, आज इंडिया के अंदर भी सब हीरो ही निकले और सब सोल्जर्स ही है। हाँ, हर कोई सोल्जर है, वो चाहे पुलिस वाला हो या कोई मेडिकल प्रोफेशन से हो, डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉयज, फार्मेसीज, मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी पंजाब से कि हमको सिलेंडर चाहिए, और मैंने पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह को मैंने रिक्वेस्ट की कि ऐसा ऐसा ही सिलेंडर चाहिए, तो उन्होंने तुरंत मुझे रिप्लाई किया और उन्होंने पंजाब के जलंधर के मेयर या एक सिटी के मेयर को उन्होंने टैग कर दिया, और तुरंत वो मेयर आके मेरे को बोले कि आप डिटेल भेज दीजिए डीएम में, और आधा दिन हुआ तो उनको सिलेंडर पहुंचा दी। मतलब एक गवर्नमेंट मशीनरी लाइक, भले कोई भी हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सब खुल के काम किया। और सबसे ज्यादा काम अगर किसी ने किया है ना आज, तो वो आरएसएस ने किया, सेवा भारती वालों ने हर जगह पे। अरे उनको तो प्रणाम है, उनको तो प्रणाम है, हर जगह तो लोग बोलते हैं कि आरएसएस कहां से कैसे मिल गए, कहां से कहां पहुंच जाते। लोग बोलते हैं आरएसएस वाले टेररिस्ट है, आरएसएस वाले चड्डी पहनते, आरएसएस वाले ऐसे करते, आरएसएस वाले वैसे करते, मगर जब टाइम आता है ना तो आरएसएस वाले सब जगह पे मिलते हैं। इंडिया में कोई भी कोना हो, जहां भी जरूरत पड़ी और मैंने मैसेज किया तो आरएसएस वाला आके खड़ा रह ही जाता है। तो मैं आई एम तो वेरी लकी कि मेरे तो रिलेशन है सबके साथ अच्छे, हर पार्टी हर लोगों के साथ, कि मैंने जब भी रिक्वेस्ट डाली हो, और ऐसी मेरी रिक्वेस्ट कभी फेल ही नहीं हुई भगवान की मेहरबानी से, कि रिक्वेस्ट मेरी खाली जाए। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी 99% रिक्वेस्ट फुलफिल हुई है। अगर आज मुझे लोग हीरो बोल रहे, बहुत कुछ अच्छे अच्छे तारीफ हो रही है, मगर वो रमेश सोलंकी ने नहीं किया, वो हिंदुस्तान ने किया है। हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व आप बने हो, एक फेस होता है। हम लोग मानते हैं कि ईश्वर हर जगह पे है, लेकिन हम फिर भी उसको एक मूर्ति में ढूंढते हैं या एक भाव ढूंढते हैं हम मंदिरों में।
दैट इज हाउ पीपल बिकम हीरोज. और वेरी ऑनेस्टली मेरा मेरा आपसे बात करने का रीजन ही यही था कि लोगों को ये भी तो जानना चाहिए ना कि जो एक फेसलेस एक एंटिटी होता है ट्विटर, एट द एंड ऑफ द डे एक फेसलेस एंटिटी होता है. मतलब एक इट्स जस्ट अ हैंडल, मतलब पता ही नहीं है कि वो जो पढ़ रहा है. अभी मिस्टर मोदी को सब लोग टैग करके भेजते हैं, ये पॉसिबल तो होता नहीं है ना कि एक प्राइम मिनिस्टर विल रीड ईच एंड एवरी ट्वीट फिजिकली प्रैक्टिकली, तो पॉसिबल नहीं है. अभी तो मतलब एक घंटा पहले मुझे किसी ने भेजा था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का नकली ट्विटर हैंडल को ट्विटर ने अप्रूव करके उनको ब्लू टिक दे दिया है. ट्विटर कुछ भी कर ये सकता अभी है, एक घंटे पहले की बात है. मोस्ट बायस मशीनरी लाइक ऐप बोल सकते हैं आप. आप ट्विटर को बोलेंगे तो मैं मतलब देयर इज सो मेनी इंस्टेंसेस ऑफ थिंग्स हैपनिंग ऑन फेसबुक आल्सो. आज तो फेसबुक पे भी पता चला है. फेसबुक और ट्विटर मेरे तो ये सोशल वर्क के अलावा भी मेरे तो आधा टाइम तो इन लोग के कंप्लेन करने में जाते कि ये पेज आ गया वो पेज आ गया. उसमें होता ऐसा है कि जो हम लोग भाईचारे से रहते हैं उसमें दुश्मनी फैलाते हैं, अनहोमेज हैंडल आ जाते जो हमारे भगवान को गाली देंगे या किसी के मजहब को गाली देंगे, आके लफड़ा झगड़ा करा देते. अभी ये कोरोना में ऐसा है कि हम लोग मर रहे हैं, हमारे भाई बहन मर रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं, और उसमें झगड़ा करने बैठ जाएंगे तो क्या होगा. इन लोगों का रोटी पकेगा तब ना जब आग लगेगी. प्रॉब्लम ये है इनको जब तक आउटरेज नहीं होता और इनको इनका पूरा वैल्यूएशन का गेम होता है ट्विटर हो या फेसबुक हो, उनके पास और कोई रेवेन्यू का तो मॉडल है नहीं, उनका तो पूरा वैल्यूएशन का मॉडल है. तो फॉर देम बैड न्यूज इज वेरी गुड न्यूज बिकॉज इट एड्स टू देयर बॉटम लाइन. एंड लेट अस होप कि देयर इज एन इंडियन ऐप इन द नियर फ्यूचर व्हिच एक्चुअली प्रोवाइड्स अ पर्टिकुलर मीडियम फॉर पीपल टू स्पीक आउट विदाउट फियर और फेवर. बट कमिंग बैक टू कोरोना एंड कमिंग बैक टू बॉम्बे, क्योंकि खाली एक फिल्मी कहावत नहीं है, ये है मुंबई मेरी जान, खाली बोलने के लिए नहीं है, एक्चुअली है मेरा शहर है. बहुत मिस कर रहा हूँ अपने घर को. बट इन जनरल लाइक जब मेरे स्कूल ग्रुप्स हैं, कॉलेज ग्रुप्स हैं, बाकी बहुत से यार दोस्त हैं, बिजनेस फ्रेंड्स हैं, जिनसे बात करो सबको लगता है कि यार बॉम्बे कंट्रोल करना मुश्किल है, नामुमकिन है, हाथ से निकल गया है. मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा कॉलेज दोस्त है ट्विटर पे, अमित थड़ानी करके, उसका भी था कि यार पता ही नहीं है कहाँ जा रहा है बॉम्बे. बट उसमें डू यू सीरियसली थिंक See, I'll tell you one thing. मुंबई ने इतने हाथ से सह चुका है ना कि मुंबई हमेशा there is a comeback by मुंबई. मुंबई की स्पिरिट को दुनिया मानती है. Okay, one thing I'll tell you. अभी मुंबई में ऐसी unfortunately क्या होता है कि ये सारे slums हैं, एशिया के सबसे बड़े slums हैं, और like बहुत सारे इश्यू हो गए महामारी के, तो जो लोग भी जमा हो गए, तो उसकी वजह से मुंबई में अभी केसेस आ रहे हैं, नो डाउट केसेस आ रहे हैं. मगर आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि मुंबई विल बाउंस बैक एंड मुंबई विल बी द सेम मुंबई वॉट इट इज and what it was, even better. क्योंकि ना हम मुंबई को छोड़ेंगे और ना मुंबई आपको छोड़ेगी. अरे आप जैसे बोलते हैं ना, मुंबई को मुंबई मेरी जान नहीं है, मुंबई हमारी जान है. मुंबई तो जान है यार, मुंबई जान क्या जहान है, वो तो जहान है. मुंबई है तो सब कुछ है अपने लिए तो. और ये जो पुलिस कंप्लेंट आपने किया था नेटफ्लिक्स और कुछ शोज को लेके, या Do you sincerely think making a police complaint is enough? No, it is never enough. Like police complaint, उसमें ऐसा है कि I'll be very honest with this thing कि बाकी कोई भी धर्म का कुछ भी बोलेगा ना तो तुरंत एक्शन के रिएक्शन हो जाती है, कई लोग को मार दिया जाता है या कई कुछ इश्यू हो जाते हैं, वो जो बोलता है उसको तुरंत जेल में डाल दिया जाता है या तो फिर माफी मांग लिया जाता है, बहुत सारे इश्यू होते हैं. हिंदू धर्म शांत, हिंदू लोग शांत है, धर्म शांत है, लोग इतना कुछ बवाल नहीं. चलो ठीक है, बोल दिया तो बोल दिया, एक एटीट्यूड हो गया कि हिंदू को कुछ भी बोलेगा तो चलेगा, हिंदू धर्म को कुछ भी बोलेगा तो चलेगा. बोले ना नॉर्मली अभी क्या मंदिर का घंटा बनाया है हिंदू को, जिसको आने आओ और बजा के चले जाओ, जो आओ आके बजा के चले जाओ. बट एक लिमिट होती है कि कब तक हिंदू भी कब तक सोएगा और कब तक अपनी भावनाओं को लाइक दबा के रखेगा. तो मैं तो लाइक जब मैं बाला साहब का शिव सैनिक हूँ और हमेशा रहने वाला हूँ,
मुझे तो सिखाया गया था अगर सीधी ओ घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो टेढ़ी उंगली भी कर दो, और अगर प्यार से बोल के बात नहीं सुनना तो कान के नीचे भी बजा के बात सुना दो, बड़ा सा वैसे बोलते थे। तो मैं वायलेंस का तो चलो अभी वायलेंस नहीं करेंगे, हम लोग डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भी होते वायलेंस का समर्थन नहीं करना, मैं भी नहीं करता हूँ, मगर एक चीज है कि जो लीगल वेज है उसको तो उसके हिसाब से तो उनको म्यूजिक फेस करना ही पड़ेगा। जैसे नेटफ्लिक्स में आज ज्यादातर शो देखेंगे आप तो हिंदू धर्म के अगेंस्ट में, इंडियन आर्मी के अगेंस्ट में है, लाइक हिंदू को ऐसे दिखा रहे कि हिंदू पूरी दुनिया में आतंकवादी आतंक जो फैला है वो हिंदू फैला रहे, हमारी आर्मी जो इंडिया को बचा रही है लोगों को बचा रही है बॉर्डर पे मर रहे -52 डिग्रीज में बर्फ में जम जाते उनको ऐसे दिखा रहे कि वो लोग रेप कर रहे हैं, अच्छा कस्टडी डेथ हो रही है, पुलिस को गलत बता रहे, मतलब उनको खाली बेचना ही है। लाइक अगर हिंदू धर्म के जाके साधु को दिखाते जाके रेप कर रहे हैं और होमोसेक्सुअल हो गए ऐसे, तो आप खाली हिंदुओं को ही दिखा रहे हो, इस हर मतलब को दिखाओ ना, दिखाना है अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच चाहिए तो बाकी धर्म को भी दिखाओ, मगर आपको देख इजी टारगेट मिल गया है तो हिंदू तो करो जैसे करना है करो। तो वैसे मैंने 2-4 कंप्लेन ऑलरेडी पहले की थी और उनको अपने हिसाब से मजा भी आई थी, they had to apologize or delete scenes और मेरी Netflix पे कंप्लेन भी चली रही थी, मगर उनका नसीब अच्छा है कि कोविड आ गया, जैसे थोड़ा बहुत शांत होता है फिर Netflix को कोर्ट में घसीट के तो जाऊंगे, और जो भी ऐसे TikTok वगैरह है I'm not letting go, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, उनको सबक तो सिखा के रहूंगा, छोड़ने का बात सवाल ही नहीं उठता है। सी सेक्युलरिज्म का मतलब है कि और भारत में आज मैं बोलूँ ना कि पहले मैं अकेला कंप्लेन करता था या एक दो कंप्लेन दो तीन करते थे, मगर इंडिया इतना बड़ा इतने सारे वास्ट प्लेटफॉर्म आ गए कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर मैं और मेरा एक फ्रेंड है विकास विकास पांडे करके, हम लोग ने सोचा कि 2 जन या 3 जन से कुछ नहीं होने वाला है, हम लोग ने हिंदू आई टी सेल करके ट्विटर पे एक अकाउंट बनाया और हम लोग ने एक टीम बनाई। आज हमारे पास अच्छे खासे 50 लोग आ गए जो कंप्लेन करने को रेडी है। आज अगर हम लोग कोई भी इशू देखते हैं जो गलत है और हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं, उसके बाद 15-20-25 कंप्लेन होती है, पहले मैं एक करता था विकास करता है XYZ कोई भी करता होगा, मगर आज 15-20-20 कंप्लेन होती है। और जो ये बातें हमारे धर्म के ये कॉमेडियंस है जिनको खाली हिंदू धर्म में मजाक दिखता है, सीता माता पे मजाक करेंगे, द्रौपदी पे मजाक करेंगे, पार्वती माता पे मजाक करेंगे, शंकर भगवान पे मजाक करेंगे, गणपति बाप्पा में मजाक करेंगे, यार दूसरे धर्म के भी बहुत सारे भगवान देवी देव बहुत सारे हैं, उनके भी मजाक उड़ाओ, उनपे कभी बातें करो, खाली हिंदू धर्म ही तुमको दिखता है बाकी कोई धर्म ही नहीं है। और ये अगर ऐसे चलता रहा तो उनके उनके ऊपर भी कॉमेडी होगी और जब उनके ऊपर कॉमेडी होगी तब उनको मजा नहीं आएगा। रमेश भाई बहुत कुछ साल पहले फ्रांस में एक कार्टून छपा था, एक पर्टिकुलर चार्ली एक रिलीजियस कम्युनिटी के बारे में, और उसपे तो खून खराबा क्या, मतलब वर्चुअली वॉर तक हो गया, मतलब पता नहीं कितने लोगों को तकलीफ हो गई, और सलमान रश्दी के बुक पे तो फतवा निकल गया था, मतलब उसको तो ही हैड टू टेक प्रोटेक्शन। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, तस्लीमा नसरीन तो इंडिया में बैठी हैं सिर्फ एक किताब लिखने के लिए, तारिक फतेह साहब को तो दिन में पता नहीं कितनी बार गालियां पड़ती हैं। वही होता है अभी ये ऑल इंडिया बकचोदी वाले हैं भरत भाई, ऑल इंडिया बकचोदी वाले, उन्होंने कोई पॉप पे या कुछ क्रिश्चियनिटी पे जोक बनाया था और उसके अगेंस्ट में इतना लाइक हल्ला मचा के उनको खुद जाके माफी मांगना पड़ा, वो डिलीट करके उनको अपोलॉजी करना पड़ा। बाकी सब धर्म में कुछ भी होता है तो तुमको तुरंत माफी मंगवा देते हैं, हिंदू धर्म को ही खाली तुम अपमान कर सकते हो, मतलब ये हिंदुस्तान है या क्या है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। और अगर मैं कंप्लेन करता हूँ या मैं आवाज उठाता हूँ तो मैं लोगों के लिए कम्युनल हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कम्युनल बोलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सच बोलने से अगर कम्युनल होते हैं तो कम्युनल ही अच्छा ना, मतलब 100% रीढ़ का हड्डी अभी भी मतलब है, मतलब टूटा नहीं है, रीढ़ का हड्डी है अभी भी है थोड़ा। अगर मैं मेरे डिग्निटी मेरे भगवान मेरे धर्म के लिए खड़ा हूँ तो तुमको गलत लगता है तो मैं गलत ही सही, मगर मैं खड़ा रहूंगा, मैं मेरे देश के लिए खड़ा रहूंगा, मैं किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं, किसी मजहब के अगेंस्ट नहीं, किसी कोई किसी के अगेंस्ट नहीं, जो मेरे धर्म मेरे देश के अगेंस्ट है मैं उसके अगेंस्ट हूँ, भले वो मेरा बाप भी रहेगा, इफ माय डैड इज अगेंस्ट द कंट्री आई एम अगेंस्ट हिम, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज रियली रियली प्रेज़वर्थी, एक कहावत है कहीं पे सुना था कि शिव भगवान के भक्त ने भी बोला था शिव भगवान को कि
चाहे तुम भगवान ही क्यों ना हो, अगर मुझे वो चीज गलत लगा तो वो चीज मैं बताऊंगा जरूर, जरूरी नहीं है कि आप वो एक्सेप्ट करो, बट मतलब आप अपनी तीसरी आंख खोल के मेरे को भस्म भी कर दोगे तब भी मैं कहूंगा तो जरूर. एंड दैट इज द फ्रीडम विच अ पर्टिकुलर रिलीजन गिव्स यू. मतलब हम लोग रिलीजन करके कुछ नहीं है, हम सब सनातनी है. एक्चुअली देखा जाए तो हम सब सनातनी है, अपना कोई ऐसा मतलब हिंदू करके रिलीजन नहीं है, हम सनातनी धर्म मानते हैं. सनातनी है, मेरा धर्म किसी का अपमान करना नहीं सिखाता है, मगर आप मेरे धर्म का अपमान मत करो. मैं किसी के धर्म का अपमान नहीं करता हूँ, किसी के मजहब का अपमान नहीं करता हूँ, मैं किसी पे जोक नहीं बनाता हूँ. आप भी मेरे धर्म का अपमान मत करो, आप भी मेरे धर्म पे मजाक मत बनाओ, जियो और जीने दो. आपने 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 गुजराती में कही है ने कि भाई तू तारा घरे हूँ मारा घरे, आपने एक बीजा ना सेनी माटे उछालवानू. एंड दिस इज परफेक्ट व्हेन इट कम्स टू अ सिटी लाइक बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे में हमने कभी जात पात धर्म हमने कभी सोचा भी नहीं था. हम ये सब अभी पिछले 15 साल में आया है, 15-20 साल में आया है, उसके पहले तो क्या मालूम था. मतलब मैं पारसी स्कूल गया, पारसी स्कूल में पता नहीं मेरे आसपास जो बैठे थे वो क्या था, जैन था, राजपूत था, वैष्णव था, मुझे कुछ नहीं मालूम था. मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि वो मेरा दोस्त है, जो आज भी है, 45 साल से हमारे दोस्त हैं. ये भरत भाई, मैं जेजुएट स्कूल में पढ़ा था, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा था, मेरे जो बेस्ट फ्रेंड है ना, बेस्ट फ्रेंड बोलेगे जिसपे मैं सबसे ज्यादा भरोसा करूंगा, वो मुस्लिम है. मेरा शेख शिवसेना का नगर सेवक था, मेरा सबसे बेस्ट, मेरा वो मुझे भाई बोलता है. इलियास खान मुझे भाई बोलता है, रूबेन मेस्क्रेंस मुझे भाई बोलता है. तो रिलीजन कहीं भी नहीं आता है. ओके, आप अपना रिलीजन को अपनी जगह पे रखो, मैं मेरे रिलीजन को, मगर आप मेरे रिलीजन को उंगली करने आओगे तो मैं आपको जवाब देने वाला हूँ. एब्सोल्युटली, मतलब मेरा रिलीजन और मेरा धर्म कोई कोई बोले ना नाजायज नहीं है या लावारिस नहीं है आज की तारीख में, कि आप आके उसको कुछ भी बोल के जाओगे, उस पर कुछ भी मजाक कर लोगे. हमारी भी भावना है, ये सरकार को भी समझना पड़ेगा. मजाक उड़ाने के लिए आपके पास सारा जहां पड़ा है. मतलब हम लोग बॉम्बे में पले बड़े हैं, बॉम्बे में जितने सिंधी और पारसी जोक्स होते थे उतना तो मेरे ख्याल से कहीं और होता ही नहीं था. मतलब बॉम्बे के तो पारसी जोक्स ऐसे होते थे, नॉर्मल जोक्स होते थे. हमारे पे भी जोक्स होते, गुजरातियों पे भी जोक्स होते, गुज्जू जोक्स होते. हाँ, आप किसी के धर्म का मजाक बनाओ, किसी के देवी देवताओं का मजाक. आपको अगर नंगा बनाना है, नंगा फोटो बनाना है, तो हमारे देवी देवता ही दिखते हैं आपको. भारत माता ही नंगी दिखती है आपको, और तो कोई दिखता नहीं नंगा. और आप उसको आर्ट बोलते हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलते हो. तो अगर आप वो ही फ्रीडम मेरे को मिलेगा क्या? और धर्म कर को धर्म का भी करिए ना. नहीं नहीं, वही फ्रीडम मेरे को और आपको है क्या? नहीं, आप करके देखिए. वही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. अरे आपको 2 घंटे के अंदर जेल में डाल देंगे. और आपने को तो बचाने वाला भी कोई नहीं है. वैसा है, मगर अब बहुत हो चुका, अब ये नहीं चलेगा. ऐसा है क्योंकि हर एक हिंदू जाग रहा है और अपने धर्म का अपमान अभी कोई नहीं सहन करेगा. और लीगली हम लोग ऐसा नहीं बोलते कि मारकाट करेंगे, तलवार लेके निकल पड़ेंगे. लीगली करेंगे, जो भी करेंगे. इंडिया डेमोक्रेसी है, लॉ है, लीगली जाएंगे कि हमारा धर्म का अपमान हो रहा है, हमारी भावना को ठेस पहुंच रही है. और लीगली जब तक कंक्लूजन पे नहीं आएगी तब तक फाइट करेंगे. मैं जब कोई भी कंप्लेंट करता हूँ, नॉर्मली कंप्लेंट करता हूँ, तो 3-4-5 महीना उसके पीछे फॉलोअप करता हूँ कि जो बंदे ने किया या जो कंपनी ने किया उसको एक बार तो पता चलना ही चाहिए कि मैंने गलत किया है. तब तक मैं शांति से नहीं बैठता. हाँ, वो रियलाइजेशन तो आना चाहिए ना कि भाई मेरे आपकी वजह से मुझे ठेस पहुंचा है, उतना तो पता चले, उसके बाद देखा जाएगा लीगली क्या होता है करके. और मेरे दादाजी ने एक चीज बोला था भरत भाई, कि राह चलते को कभी छेड़ना नहीं और आंख पे आया तो छोड़ना नहीं. जितना सर पे चढ़ाएंगे, जितना सहन करेंगे उतना ही सर पे चढ़ेंगे और उतना ही करेंगे. तो है कानून, है व्यवस्था, है, यूज करिए. इसीलिए तो हिंदू आईटी सेल बना है कि जो हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा, जो भगवान या इंडिया इंडियन आर्मी उनके अगेंस्ट में गलत बोलेगा, अगर वी हैव द कैपेसिटी टू हियर क्रिटिसिज्म, सही अगर हमारी गलती है तो बताइए, हम लोग माफी मांग लेंगे. बिल्कुल. मगर अभी वी वोंट बी आपके जोक का हम लोग बर्डन नहीं उठाएंगे कि आपका मजाक, हम मजाक नहीं बनेंगे.
कुछ मतलब ये बहुत सालों से होते आ रहा था, और मतलब मुझे, मैं किसी से बात कर रहा था तो दिस हैज बीन टाइप कास्ट, मतलब आप 25, 30, 50 साल पहले के पिक्चर्स भी आप देखते थे तो जो बनिया होता था वो हमेशा थोड़ा एक स्लाइमी कैरेक्टर होता था, वो मतलब लोगों को मतलब ही विल ऑलवेज टेक एडवांटेज। शोले में, पूरे पिक्चर में आप अगर देखोगे तो सिर्फ एक बंदा है, एके अंगल साहब, जो मतलब मस्जिद जाएंगे। ये एक बहुत मतलब दिस हैज बीन डन वेरी सिस्टमैटिकली, और ये बहुत आई वी शुड अप्रिशिएट कि इतना अच्छा प्लानिंग के साथ किया गया। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड भरत भाई. मैं क्या बोल रहा हूँ, आज अगर समझो कि मैंने एक टाइम्स ऑफ इंडिया, हम लोग उसको टॉयलेट पेपर बोलते हैं, अगर किसी ने भी रेप किया हो, मौलवी ने वगैरह, तो फोटो किसके डालते हैं? साधुओं के फोटो डालते हैं. बिल्कुल, अगर कल्प्रिट हिंदू है तो उनका नाम छाप देंगे, अगर हाँ कल्प्रिट दूसरे दूसरे समाज के है तो उनके नाम नहीं छापते, नाम बिल्कुल बदली कर देंगे, उनको हिंदू बना देंगे. भाई साहब, आज तो की मतलब तारीख में तो टेररिस्ट स्कूल, मासूम आप स्कूल में टीचर तुलना का क्या बच्चा हो करते हो? जाता है हाँ, अगर टेररिस्ट मारा आजकल गया तो तो सीधे सीधी टेररिस्ट. बरखा दत्त आ जाएगी, उसका बाप टीचर था, उसकी माँ साइकिल चलाती थी या चरखा चलाती थी, अरे वो जो भी चलाती थी या जो भी करती थी, ये क्या कर रहे हो देखो ना भाई. आज तो मतलब मैं औरतों की बहुत आदर करता हूं और बहुत सम्मान भी करता मैं हूं, आदर मैं भी करता हूं, बट मैं मेरे टाइमलाइन पे आप देख लेना, मैंने हजारों बार बोला है कि नो मैटर व्हाट वी आर नॉट गोइंग टू अब्यूज अ फीमेल. हालांकि मुझे आके गाली देके जाती तो मैं उनको बोल देता, आपको खुशी हुई ना, दो चार और गालियां दे लीजिए, अगर आपको मुझे गाली देने से मैंने खुशी मिलती है आज तो दे लीजिए. हाँ, एक चीज है कि नहीं, मैंने आज अब बहुत सिंपल उनका सवाल पूछा रमेश भाई, मैंने बहुत सिंपल सवाल पूछा, जो अभी ये दिल्ली के दंगों में जो अरेस्ट हुई है, जो प्रेग्नेंट है और जिसको बेल कैंसिल हुआ है, और मतलब बहुत से नामी गिनामी वकील उसके लिए केस लड़ने की सोच रहे हैं, बहुत से मतलब जर्नलिस्ट उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि एक प्रेग्नेंट लेडी को बेल मिलना मतलब चाहिए प्रेग्नेंट है बिकॉज तो क्या उसको कोई लाइसेंस मिल गया टेररिज्म फैलाने नहीं, का? वो मुझे नहीं नहीं एक मैं एक ट्वीट मैंने मैं पढ़ा तो किसी उसपे हीरो जा ही नहीं का, रहा हूं नहीं भरत भाई, मैंने एक ट्वीट पढ़ा रमेश किसी भाई, हीरो मैं का. तो मैं वहां तक जा ही मैं नहीं बता रहा देता हूं, हूँ, मेरा सिम सुनिए, आप पहुंच जाए, मैं बता देता हूँ कि आप एक ट्वीट मैंने पढ़ा कल परसों कि शी इज प्रेग्नेंट एंड शी हैज लाइफ इन हर. ओके, बहुत यस बड़ी बात है, शी हैज लाइफ इन हर, बट डज दैट मीन कि शी कैन टेक लाइफ ऑफ अदर्स? नो दूसरों की लाइफ का नो कोई मतलब वैल्यू नहीं है? वो जो बच्चा पैदा करेगी वो कोई पालनहार तो नहीं पैदा होने वाला है ना भाई, उसकी माँ ने क्या गुनाह किया वो तो देखो. यू कांट जस्ट गिव जस्टिफिकेशन कि शी इज प्रेग्नेंट और शी इज फ्रॉम दिस का. अभी विक्टिम कार्ड खेलना खत्म करो और जो गुनाह किया उसकी सजा भुगतो, वो भले कोई भी हो. बराबर है मेरा. नहीं, मेरा सवाल तो बहुत बेसिक था, मैंने बोला आप पूरा दुनिया सारी जहां सपोर्ट में खड़ी है, बहुत अच्छी बात है, सही बात है, वो आप सबका फ्रीडम है, बट वो बच्चे का बाप तो होगा ना कोई, वो कहाँ है, वो कौन है, नहीं, वो मतलब उसमें तो मैं नहीं क्या होगा, कौन किसका बाप है और माँ है, ठीक है, वो अपनी उनकी मर्जी जो भी हुआ है, बट जो नहीं गुनाह नहीं नहीं किया नहीं उस पे नहीं मैं मैं जरूर तो पूछ रहा जाऊंगा. हूं, नहीं, अरे हाँ, ही हैज पूछिए, टू पेटिशन द आपका भी कोर्ट. फ्रीडम है. या यू हैव द फ्रीडम टू आस्क, बट आई एम सेइंग कि भाई प्रेग्नेंट है तो गुनाह किया वो मिट नहीं जाता है, जो भी लाइक वो अगर तो कोई राजीव गांधी की आप मर्डरर कास्ट, तो 2 महीना प्रेग्नेंट थी, और उसने तो मैंने बच्चा ही कल जेल में परसों एक पैदा रिपोर्ट किया. कल परसों एक रिपोर्ट भी पढ़ी थी कि बहुत सारी औरतें प्रेग्नेंट है और उनके लिए उनकी डिलीवरी भी हो जाती है, उनके लिए सारी सुविधाएं भी है, तो व्हाट हैज शी डन? एक्सेप्शन क्या है भाई? कोई एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन जस्ट ये बिकॉज है शी हैज कि कम सर, वो टुकड़े लकीर्स टुकड़े दिल्ली का गैंग की है. सपोर्ट है. नहीं, वो टुकड़े टुकड़े गैंग की है, वो इंडिया के अगेंस्ट बोलती है, हाँ वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाँ अगेंस्ट बोलती है, तो नहीं मिलेगा उनको लकीन्स सपोर्ट अगर उनके लकीन्स अगेंस्ट में, मीडिया का उसके सपोर्ट लिए अगर है. 10 खड़े हुए ना, उसके लिए 10 खड़े हुए ना, तो इंडिया में 100 उसके अगेंस्ट में खड़े होंगे, आई होप सो, आई रियली और होप सो, सबसे पहला बिकॉज मैं खड़ा होगा, क्योंकि गुनाह किसी ने भी किया उसको सजा मिलनी चाहिए, कोई बख्शा नहीं जाएगा इंडिया क्योंकि में, अगर लॉ इंडिया एंड ऑर्डर में है तो सबके लिए इक्वल है. मेरे को आज तक एक चीज समझ में नहीं आया है कि मैं बहुत से वकीलों को जानता हूं और बड़े मतलब आदर से पूछ रहा हूं ये,
रात को 3 बजे किसी टेररिस्ट के हैंगिंग के लिए जो वकील सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के घर पहुंच के हियरिंग करता है, वो उनको एक फंडिंग होती है ना पिकपॉकेट वो। जो 15 साल से आर्थर रोड जेल में बैठा है। आर्थर रोड जेल में कम से कम 20% कैदी ऐसे हैं जो भूल गए कि वो क्यों हैं, उनको याद भी नहीं है कि वो उन्होंने किया, क्या केस था, कुछ नहीं मालूम है। वो जेल में है बस, वो उनका घर हो गया, उनके लिए क्यों कोई पूछता बट नहीं? बिकॉज दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम, बिकॉज दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम जो इंडिया को गिराना चाहती है। दिस इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। मतलब हम अगर सुधार करना चाहते हैं तो कहां से शुरुआत करें, यही समझ में नहीं आ रहा आज। नहीं, स्वच्छता इट अभियान इज तो चल वेरी रही है, वेरी अभी फ्रस्ट्रेटिंग। स्वच्छता अभियान तो चल रही है हर जगह पे, पर टाइम लगेगा। क्योंकि वो बोलते हैं ना, जब कांग्रेस ने 60 साल 70 साल राज करके पूरी सिस्टम को दीमक की जैसे चाट लिया है, उसको थोड़ा थोड़ा ठीक तो करना। 5 साल 6 साल हुए मोदी गवर्नमेंट को, और 5 साल दीजिए सब ठीक हो जाएगा। नहीं होना हो, मतलब वो नहीं, उम्मीद है, एक जो इसीलिए मुझे आज तो एक चीज बोल रहा हूँ कि जो हिंदू मुस्लिम की ये भावनाएं भड़काते ना कांग्रेस या ये जो दिल्ली लेफ्टिनेंट के वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं मुस्लिम, और वो सारे मेरा मतलब मैं आधा उनको जानता हूँ, वो देशभक्त है सारे। मैं उनके नाम गिन मेरे के आधे सब से आपको बता ज्यादा सकता व्यापारी हूँ। दोस्त जो हैं वो आपके मोहम्मद अली रोड और मतलब पाईदोनी मार्केट में बैठते रहते हाँ, हैं, और हमारे सारे दोस्त वो वहां से ही, कहां से हमने है वहीं वो उसका। आपको मालूम है? तो कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो अपीजमेंट करती है, और कांग्रेस वो पार्टी है जिन्हें ना अलग बोलते ना डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी जो अंग्रेज ने अपनाई थी, कांग्रेस अपना रही है। बट देयर इज नो सच डिवाइड। ओके, प्यार मोहब्बत से सब रह रहे, रहने दीजिए। जो गलत करेगा, भले वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। रिलीजन का कॉलम ही निकाल दो ना एब्सोल्युटली। सजा देने के टाइम पे। जो गुनाह किया है उसको वो हिसाब से सजा दे दो। नहीं, और और अमित मुखर्जी रिलीजन ने शुड किया है तो भी बी, उसको सजा दे दो। रिलीजन शुडन बी पार्ट ऑफ द जुडिशियल सिस्टम और द लॉ एंड ऑर्डर, दैट्स इट, भले कोई भी हो। दैट्स इट, करेक्ट करेक्ट, आई कंप्लीटली एग्री ऑन दैट। और हम लोग, मतलब मैं ज्यादातर बॉम्बे का ही बोल सकता हूँ क्योंकि हम पले बड़े हैं वहां पे, और उसके बारे में अपने को पता है। जो आज मुंबई है, मैं पैदा बॉम्बे में हुआ था बट आज मुंबई है, जो मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, बट मुंबई में हमने कभी वो डिवाइड देखा नहीं है। मतलब होगा, मैं ये नहीं कहता हूं नहीं होगा, होगा कहीं ना हर कहीं चीज होगा, होती है, होती है थोड़ी बहुत चीजें, बट मगर ये जो मीडिया है उसको बड़ा चढ़ा के दिखाती है। जो अगर बात बिल्कुल, होती नहीं है, क्योंकि जो जैसे ये पत्रकार है, अगर ज्यादातर देखने जाएंगे ना, तो आज ये लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए। क्यों? क्योंकि आज एक पैरेलल प्लेटफॉर्म आ गए, जैसे ट्विटर है वगैरह, पैरेलल प्लेटफॉर्म आ गए, कि ये लोग पहले जो बोलते थे या दिखाते थे वो सब लोग को सच मानना पड़ता था। आज हाँ उनका झूठ इंस्टेंट में जो भी मालूम आ गया पड़ता ना, है ये सच है झूठ झूठ है। बोलते ना, हाँ, ये लोग जो झूठ बोलेंगे ना आज, वो तुरंत पकड़े जाएगा। हाँ तो इनके लिए आपको फ्रस्ट्रेटेड है, याद रहेगा, इनकी दुकान बंद हो गई है, आपको याद इनके रहेगा, अपने ही चार अच्छा कोई पांच साल दुकान है तो। पहले, 4-5 साल पहले किसी जर्नलिस्ट ने बोला था कि एंट ऑफ हिल में, एंट ऑफ हिल भी नहीं, अपना न्यू वडाला जिसको हम बोलते हैं, जो बेसिकली अपना चुनावटी से पीछे वाला रोड, वो आइनॉक्स वाला रोड पे, आइनॉक्स थिएटर वाला रोड पे, वहां पे किसी ने घर देखा था और वो जर्नलिस्ट को मना कर दिया था क्योंकि वो मुस्लिम फैमिली से है हाँ, करके। वो न्यूज़पेपर में 3-4 दिन छाप चला था दिया। मेरे मेरे ख्याल से, ये जहाँ 5-5-6 साल हो गया होगा, 5-6 साल हो गया होगा। हाँ, 4-5 साल हो गए। हाँ, और वो बिल्डिंग में रहने वाला जो था वो मेरा दोस्त निकला, तो ऐसे ही फोन करके पूछा उसको, बोलता है यार कोई आएगा नहीं, कोई देखा नहीं, अपने बिल्डिंग में कम से कम आधे से ज्यादा फ्लैट तो मुस्लिम्स रहते हैं, और ऐसा कोई यहाँ पे कोई कानून वानून है नहीं। हफ्ते भर बाद मालूम पड़ा कि वो जर्नलिस्ट झूठ बोल रही थी, जबकि उसके ऊपर पुलिस कंप्लेंट वम्प्लेंट हुआ था। वो एक्सपोज हो जर्नलिस्ट गया का था, नाम मुझे याद नहीं है, सॉरी, मैं गूगल कर सकते चाहिए तो आपको। हाँ नहीं मुझे याद नहीं है अभी इस वक्त में अभी, बट ये दिस इज वॉट इट हैज कम डाउन टू, कि जहां पे या दिस जर्नलिस्ट ऐसा, वो अपने अभी बात 5 मिनट ऑफ फेम के करते लिए जर्नलिस्ट झूठ बोल देते हैं। है, मगर ऐसे ऐसे जर्नलिस्ट है जो खाली मैं नाम लूंगा ना तो आग लग जाएगी। उनका काम ही आग लगाना है, उनको और कुछ वो दिखता हाथ नहीं में है। पेट्रोल लेके घूमते रहते हैं। और वो जाके वापस जाके अवार्ड लेके आते हैं, इंटरनेशनल अवार्ड उनको देते हैं
क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं, इनको झूठ बोलने का अवार्ड दिया जाता है. हाँ इनका देयर इज अ लॉबी, देयर इज अ सीरियस लॉबी जो इंडिया तोड़ने का काम कर रही है, और ए जर्नलिस्ट वगैरह जो है, ए एनजीओ वगैरह उसका पार्ट है. हाँ, और उनको फंडिंग होता है उस फंडिंग चीज का. आता कहां से है? जैसे वो इनका कठुआ रेप पूरा केस फंडिंग का ही हुआ, गेम है ना. उसमें जाके सारे हीरो हीरोइन ओके वो प्ले कार्ड लेके खड़े हो गए. मंदिर में रेप हुआ ना, त्रिशूल पे कॉन्डम लगा दिया ना, भगवान की मूर्ति ये सब कर रहे थे. अरे आज तक खाली मंदिर में रेप हुआ, वो मंदिर में रेप भी नहीं हुआ था, उसके ऊपर भी इतने सारे डिबेट होते हर जगह पे हो रहे, कभी किसी ने प्ले कार्ड लेके खड़े नहीं हुए, क्योंकि आपको पैसे नहीं दे रहे उधर, वो प्ले कार्ड लेके खड़े रहने का पैसा नहीं मिल रहा है. तो प्ले कार्ड गैंग भी सॉलिड है इधर, वी हैव टू फाइट देम, वी हैव टू एक्सपोज देम. अरे ये इन लोगों का तो मतलब समवन वाज टेलिंग मी फ्रॉम बॉलीवुड ओनली कि इनका तो मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप है, मतलब दे आर पेड लैक्स ऑफ रुपीस फॉर यू नो अ पर्टिकुलर ट्वीट और फॉर पर्टिकुलर नैरेटिव, और ये बहुत एकदम एक प्लान के तहत मतलब उसको एग्जीक्यूट किया जाता है. एंड दे नो कि हाँ ये ऐसा एक रिस्पॉन्स आएगा, वरना आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई विल एनीवन इन देयर राइट सेंस से समथिंग व्हिच इज गोइंग टू इनवाइट अब्यूज. आप यूपी का जो गवर्नमेंट, योगी गवर्नमेंट के पहले जो गवर्नमेंट था, सपा गवर्नमेंट की लिस्ट में देखना, वहां लोग एक लिस्ट थी, पर्टिकुलर लिस्ट के जर्नलिस्ट और ये जो फिल्म फ्रेटर्निटी वाले और एनजीओ वालों को मंथली पे होता था, हाँ, उनको फ्लैग दिया सवा जाता लाख था, रुपया या कुछ आज वो ऐसा बंद हो आता गया. था उनको. हाँ, आज वो बंद हो गए हैं, योगी जी नहीं दे रहे, तो योगी योगी बुरा हो गया. हाँ, तो जब ये दुकान बंद होती है तो दर्द होता है. अरे साहब, यहाँ दिल्ली में, साउथ दिल्ली में, लटियंस में सबको क्वार्टर्स दिया गया है, बंगले दिए गए हैं, वरना आप किसी नॉर्मल ऑनेस्ट पत्रकार को पूछेंगे कि भाई तुम 50 करोड़ का बंगला बांध सकोगे, वो कहेगा कि मैं 3 पुश्त में नहीं बांध सकूंगा. मगर आपके पत्रकार जो है एक्स वाई जेड पत्रकार, उनको क्या बोलते हैं, अनसिक्योर्ड लोन मिल जाते हैं, बंगले दे जाते हैं, फिर 400-400, 500-500 करोड़ के स्टूडियोज बना दिए जाते. क्यों बना दिए जाते? इनकी जांच होनी चाहिए. जैसे महेश भट्ट है और उसकी बेटी पूजा भट्ट, आज इतना पेट्रियट और इतना ढिंडोरा पीटते, उनका लड़का राहुल भट्ट जो हेडली का दोस्त था, इसको क्लीन चिट मिल गया. चलो यूपीए के गवर्नमेंट में, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक बार उसकी जांच हो प्रॉपरली. वो हेडली का दोस्त था, हेडली ने उसको बोला भी गया था कि तू साउथ मुंबई मत जाना ये डेट्स पे. हाँ, उसको तो पूरा एड्रेस भी दिया गया था ना कि ये पर्टिकुलर जगह पे मत जाना करके. और ये हमारे सो कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड क्लास के लोग हैं. महेश भट्ट कितना सोफिस्टिकेटेड है अपने को मालूम है ना. नहीं, आज में एक ट्वीट उनका था कि वी आर हिंदू, वी उसके पूजा भट्ट का एक ट्वीट था, वी वर्शिप गणपति एंड वी किल एलिफेंट, वी वर्शिप हनुमान एंड वी वॉच मंकी एंड ऐसे ऐसे था. तो मैं भी ट्वीट डालने वाला था महेश भट्ट का, क्या आई कन्वर्टेड टू इस्लाम टू मैरी सोनी राजदान, आई एम हेडलीज फ्रेंड बट आई एम पेट्रोएट राहुल भट्ट, फादर किसिंग द डॉटर ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म एंड ऑन मैगजीन ओके and saying that if I wanted to marry Pooja but if she was not my daughter. पर आप किसको ज्ञान बांट रहे हो? कोई इतना भी बुद्धू नहीं है. नहीं, वो तो खैर अलग स्टोरी है. वो जिनका घर कांच का होता है ना, दूसरे के घर पे पत्थर मत मारा करो और शांति से जियो और जीने. Because right now seriously no negativity. एक कोविड का जो है, कोरोना का है, लोगों को बचाओ, लोगों को खाना पहुंचाओ, इस पे ध्यान दो. बाकी ये पॉलिटिक्स करना, टाइम पास करना, किसी के धर्म मजहब को गाली देके इंसल्ट करना, ये सब नहीं, अच्छा काम नहीं है. उसके लिए पूरी लाइफ पढ़िए. नहीं वो करो तभी. ये मतलब इनके लिए, इसके लिए फुर्सत कहां से मिलता है यही मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि आई एम प्रिटी श्योर कि मतलब मैं 2-3 ग्रुप्स में जो हेल्प करने के लिए काम करते हैं, सुबह से लेके दोपहर तक तो उसी में बिजी रहते हैं. मैं तो मतलब आई नो हाउ टैक्सिंग इट कैन बी. और मेरे अगर
ये 4-5 केसेस के लिए इतना है, तो आपके पास तो दिन के मतलब हजारों केस वही आते तो होंगे। ना, खाने को टाइम नहीं मिलता है। ओके, कभी खाना 6 बजे होता है, दोपहर का लंच शाम को 6-7 बजे होता है, डिनर रात को 3 बजे होता है, उसमें कहाँ पॉलिटिक्स करेंगे? वहां किसी को गाली देने जाएंगे या नहीं किसी की फेक न्यूज फैलाएंगे, मगर नहीं इनको कोई काम नहीं है, नहीं इनको नहीं फेक न्यूज फैलाना, लड़वाने में और गवर्नमेंट को गलत बताने का पैसा मिलता है, उनका धंधा हुआ है, हाँ, उनका दुकान चलना चाहिए, एट द एंड ऑफ द डे उनको भी तो घर उनका चलाना है, वो चाहे चाहे जो माइग्रेंट्स। भी इतना अच्छा तरीके से खासा हो। लॉकडाउन चल रहा था, इतना अच्छा खासा लॉकडाउन चल, लोग बोलते कि मोदी जी ने लॉकडाउन ला दिया, लॉकडाउन ला दिया, क्या फायदा हुआ? हमारे साथ जो देश बाकी कंट्री से लॉकडाउन आया नहीं लिया उन्होंने लॉकडाउन, देवर टू ऑप्शन, आइदर आप अपनी लोगों को स्वीकारो या तो इकोनॉमिक को बचाओ। मोदी जी ने जान बचाई लोगों की, फर्स्ट डे से लॉकडाउन कर दिया, इकोनॉमिक्स अप डाउन होगा, चलो सब धंधा बंद होगा तो इकोनॉमी अप डाउन बंद, बाकी कंट्रीज का देख लीजिए आप, इंडिया में आज 2 लाख के जितने केस हो गए, मगर अमेरिका में देखिए, जब अगर इकोनॉमिक चूज किए होते लोग मर जाते तो इकोनॉमिक तो अपने आप डाउन हो जाती ना। अभी माइग्रेंट्स को भड़का है, जैसे दिल्ली में माइग्रेंट्स को भड़का दिया और माइग्रेंट 2 लाख माइग्रेंट्स को उधर बिहार पे लाके खड़ा कर दिया कि आप जाओ यूपी, बसेस भेज दी गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने, मुंबई में हुआ 15-20 हजार लोगों को लाके खड़ा कर दिया, माइग्रेंट्स को कंप्लीटली भड़का 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 के उनको रस्ते पे ला दिया, इसमें किसका फायदा हुआ? और लोग मर रहे थे, इनको कोई परवाह नहीं कि लोग मर रहे हैं, लोग कट रहे हैं, इससे कोई इनको लेना देना नहीं है, जितनी जान जाएगी जितने लोग मरेंगे उतना उनको पैसा मिल रहा है, और ये लाशों के ऊपर लाशों का वल्चर होते ना, वो मरने के बाद में लाश को खाते, और ये ऐसे वल्चर है जो जिंदा लाशें खाते हैं, ये लाशें लोगों को लाशें करके इनका पेट भरते हैं लोग। नहीं, मैं हंस रहा हूं, बट एक्चुअली बहुत बहुत अफसोस महसूस होता है कि ऐसे लोग बैठे हैं एंड इन पोजीशंस ऑफ पावर, जो मतलब ऐसे डिसीशंस लेते हैं या ऐसे डिसीशंस को एक्सेप्ट करते हैं। इट्स वेरी सैड, इट्स वेरी वेरी सैड, बट आप जो कह रहे हो वो सच है, क्योंकि आज की तारीख में भी कोई क्लैरिटी नहीं है। मतलब अभी आज पता चला है कि अभी मैं बॉम्बे का हूँ, आज मैं दिल्ली में हूँ, और मुझे आज पता चला कि चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स जो हैं वो सिर्फ दिल्ली वालों के लिए हैं। तो कल को अगर मैं बीमार पड़ गया तो मैं कहाँ जाऊँगा? उनकी तो मतलब बात ही नहीं हो सकती, वो तो क्या बात करते, बोलते रोज के 10 लाख लोगों को खाना खिलाते हैं, खाली आंकड़े बोलने के लिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खाना बांटने के लिए दिया था उसमें से 1 या 2% उन्होंने खाना बांटा है, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। यस ओके, खाली विज्ञापन देना, खाली प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये उनका काम था। दिल्ली की जनता की हालत देखो, आज रिक्वेस्ट आ रही है सुबह, हर दिन पे कम से कम 50-100 लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है, कल कल मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि कोई लाइक फीमेल मर रही है और उसका पति और वो लोग सब रो रहे हैं, और मुझे खुद अरविंद केजरीवाल को टैग करके हाथ जोड़ना पड़ा, हाथ जोड़ने के सिवा मेरे पास कुछ था नहीं, उसको मेरे पास कोई शब्द ही नहीं थे, रिक्वेस्ट करूँ कि क्या करूँ भाई, हाथ ही जोड़ सकता हूँ तुम्हारे सामने कि लोगों को बचा लो, नहीं, बट और क्या कर सकते। नहीं, और कुछ कर भी नहीं सकते हो। मैं ऑनेस्टली एक दुख की एक सीमा होती है, उसके बाद कहते हैं कि आप फील करना बंद कर देते हो, और जो आप कह रहे थे वो एक्चुअली में ऐसा हुआ है। जो 3 घंटे 4 घंटे वो महिला अपने पिताजी के साथ हॉस्पिटल के बाहर ही थी और वो एडमिट नहीं कर पाए, और वो 4 घंटे में उसके पिताजी गुजर गए। अब इसका जिम्मेदार कौन है? तो वही बोल रहा हूँ, मैंने एक ट्वीट डाला था 10 दिन पहले, क्या हुआ, एक मुझे 10 बजे फोन आया किसी का, मेरे भाई ने बोला कि लाइक कोई अपना पहचान वाला है उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना है, एडमिट नहीं करे, वो 5 बजे से भाग रहे थे मुंबई के सारे हॉस्पिटल में, कोई हॉस्पिटल ने उनको एडमिट नहीं किया, 10 अराउंड नाइट 10 o'clock आई गॉट द न्यूज, और मैंने मेरे हिसाब से, अभी मुझे ऐसे लगता था कि मेरे काफी कॉन्टेक्ट है और मुझे खुद में घमंड था कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मैंने मेरे सोर्सेस को फोन लगाया, बड़े बड़े लोगों को फोन लगाया, ऐसा करो वैसा करो, 10 बजे से 12 बजे तक कुछ नहीं हुआ, 12:15 12 को लकीली 2.5 घंटे बाद मेरे से कुछ कनेक्शन हुआ और मैं कुछ करने की पोजीशन में आ गया, मैंने वो जो बंदा था उसको फोन किया,
और उसको कॉन्फ्रेंस पे लिया जिसने जो मुझे हेल्प करने वाला था, और मैं उसको बोला कि भाई एक्स वाई जेड देखो ये आपको जो बोले वो करो, इधर ये हॉस्पिटल में जाओ, ऐसा ऐसा बेड है और सब तैयारी हो गई, उधर जाओ। तो सुनो रमेश भाई सुनो, अरे आप सुनो मेरी बात, आप पहले जाओ वहाँ एडमिट कर दो, ट्रीटमेंट शुरू करा दो, मैं बाद में सुन। नहीं नहीं पहले आप सुनो। अरे मैं बोल रहा तुम ट्रीटमेंट कराओ यार, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे। तो उसने में वो जो बंदा हेल्प करने वाला उसने भी बोला अरे भाई आप इधर, तो क्या बोलता रमेश भाई सुनो वो बंदा फेल हो गया, ही एक्सपायर 10 मिनट्स में, 10 मिनट पहले वो एक्सपायर हो गया, और ना मेरे पास उसको कुछ बोलने का था ना वो जो बंदा हेल्प करने वाला था उसके पास था। मगर तब मुझे ऐसे लगा कि मेरा सारा घमंड टूट गया कि मेरे से कुछ होता है, और लाइक 10-15 मिनट बाद मैंने ट्वीट किया कि हार्ट ब्रोकन और मुझे ऐसे लग रहा है कि क्या मैं कुछ नहीं करता। एंड सीरियसली वो पूरी रात, मैं सुबह पूरी रात, उस दिन तो मैं सोया ही नहीं। मेरा तो बोलते ना कि लाइक यू गेट द न्यूज कि तुम किसी को हेल्प करने, मेरे हाथ में आया हुआ बंदा मर गया, तो इससे हेल्पलेस फीलिंग, आई वाज फीलिंग सो हेल्पलेस। और लोग भी लिख रहे थे कि रमेश सोलंकी जैसा बंदा हेल्प करने जा रहा, नहीं हो रहा, कॉमन मैन का क्या होता होगा। एंड दे आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। दिया तो ऐसे सिचुएशन फेस करने पर कि जहां बोलते हैं ना वो कलेजा कट जाता है, फिर भी मुंह पे हंसी लेके लोगों को पॉजिटिविटी देनी पड़ती है। ठीक है आज अभी रात हुई तो कल सवेरा हम लोग को क्या फेस करना पड़ता है, हम इंसान तो हम लोग भी है और हमारे में भी फीलिंग्स है, बिल्कुल तो क्या कर सकते हैं। नहीं और कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसे आती हैं ना जिंदगी में जो एक परमानेंट चेंज कर जाती हैं अपने में, और ये कोरोना कुछ ऐसा है जो अपने अंदर हर इंसान के अंदर कुछ बदलेगा परमानेंटली। बदली हो गया ना भरत भाई, आज लोग फैमिली को ज्यादा प्यार करने लगे, फैमिली के साथ ज्यादा टाइम बिताने लगे। पहले तो कैसा था कि सोशल मोबाइल पे चिपके रहते थे, माँ बाप कहाँ है, भाई बहन कहाँ है, दोस्त का वो रिलेटिव्स कोई कहाँ, किसी को पता नहीं था। आज जब वो रूम में रहना पड़ता है ना, पेरेंट्स माता पिता भाई बहन, तब एक दूसरे की वैल्यू समझ रहे लोग। जब अपना कोई मरता है ना तब वैल्यू समझते है। नहीं बट आने वाले 6-8 महीने में अपने को पता चलेगा कि लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी द सेम, देयर इज गोइंग टू बी अ न्यू नॉर्मल। मैं ये बात बहुत जगह पे बोल चुका हूँ कि देयर इज गोइंग टू बी अ न्यू नॉर्मल नाउ, मतलब अब सारा चीज बदलेगा और लेट्स होप कि अच्छे के लिए बदलेगा। देयर इज पॉजिटिविटी एंड वी ग्रो फ्रॉम हियर, और हम रियलाइज करें कि हम जिस एक कुकून में रहते थे कि हर हफ्ते थिएटर जाना है, सिनेमा देखना है, बाहर खाना खाने जाना है, और न्यूक्लियर फैमिली में रहना है क्योंकि हमको अपनी प्राइवेसी चाहिए, वो ये 3-4 महीनों में हमने रियलाइज किया कि एब्सोल्युटली इंसान की कीमत क्या है भरत भाई। और एक चीज हम लोग यही है, हम लोग खुद को बहुत बहुत हाई फंडा, मतलब हम लोग खुद साइंस के इतने काबिल है, हम लोग ये कर सकते हैं, हम लोग ने मेडिसिन तैयार कर ली, प्लेन उड़ा दिए, जहाज सबमरीन बना दिए, ये कर दिया वो कर दिया, मगर भगवान और नेचर के सामने हमारी कोई औकात नहीं है। ये 3 महीने में सबको पता चल गया, घुटने टेक दिए जिंदगी ने। आज कोई इंसान ऐसे कर सकता है, बहुत जरूरी था। हम जो नेचर को कुछ मानते नहीं थे, झाड़ काट देते थे या जो नेचर की जगह होती है गार्डन से या ओपन प्लेसेस से उसको कब्जा कर लेते थे, मतलब हमको जो लगता था हम लोग लाइक एनवायरनमेंट को खराब कर देते। आज एक बात सुनने में है कि बिहार से माउंट एवरेस्ट दिख रहा है, दिल्ली का प्रदूषण इतना था कि सांस नहीं ले पाते थे, आज आप देखिए प्रदूषण, मतलब एयर इतनी फ्रेश हो गई है कि नया लगता है। तो इंसान को अपनी औकात दिखा दी ये 2-3 महीने में, इंसान को अपनी औकात समझ गई है। कंप्लीटली एग्री। ठीक है रमेश भाई, मैं आपका बहुत टाइम ले चुका हूँ, बट मुझे आपसे बात करने में जितनी खुशी मिली है वो आप माने या ना माने, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत ज्यादा, मेरे को मीठा बहुत पसंद है। टिपिकल गुजराती होता है जो बिना मीठे के खाना हजम नहीं होता, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने आज श्रीखंड पूरी खा लिया, या बोल लो रस पूरी खा लिया, क्योंकि सीजन है रस का। बट
थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड मैं दोनों हाथ जोड़ के भगवान से सिर्फ इतना प्रार्थना कर सकता हूँ कि आपने जितना अच्छा काम किया है वो आगे आखिरी सांस तक आप कर पाए, फिजिकली, फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली आप कर पाए. इसके लिए जो आपको हेल्थ, जो वेल्थ और जो सोशल स्टेटस लगेगा वो बने रहे. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू भरत और सबको. जय श्री राम. पक्का जय श्री राम. जब को जय श्री राम. एंड बॉम्बे मिलेंगे, मुंबई मिलेंगे, और मैं आपको मुंबई का मुंबई मिलेंगे. सॉरी हाँ, आप मुंबई वाला पाव खाएंगे जरूर जरूर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू जय श्री राम. थैंक यू सभी को. जय श्री राम. जय श्री